दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग दर्शन पर आपका स्वागत है। दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसी वक्त अभी तुरंत सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से ये फायदे होते हैं कि जैसे ही हम कोई जानकारी अपलोड करेंगे आपको तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और उस जानकारी से आप अवगत हो जाएंगे। आइए दर्शकों, आज मैं बात करता हूं उपायों की श्रृंखला में आगे। एक गुजरात से महिला भक्त ने कल फोन किया और पूछा कि हमारे घर में नेवले आते हैं, यह शुभ है अथवा अशुभ। देखिए, जानकारी तो नेवले के संबंध में अथाह जानकारी है, मगर सिर्फ और सिर्फ इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। जब आप प्रश्न करते हैं तो हमें भी दिशा मिलती है कि इसी दिशा में काम किया जाए ताकि लोक कल्याण हो सके। दर्शकों, नेवला के संबंध में अगर एक ग्रंथ लिख दी जाए तो वो भी छोटा पड़ेगा। अगर आप नेवले के संबंध में समझें तो नेवला का दर्शन हमेशा हमेशा शुभ ही शुभ होता है। अब आपको बताने जा रहा हूं इस नेवले के संबंध में कुछ जानकारी जो शास्त्रों से एकत्रित किया गया है। दर्शकों, अगर सुबह सुबह जगते ही नेवला के दर्शन हो जाए तो आप समझें कि यह अत्यंत शुभ है। इससे शुभ शकुन कोई नहीं होता, अत्यंत शुभ है। आप शीघ्र ही अमीर बनने वाले हैं, आपके समस्त कष्ट शीघ्र ही नष्ट होने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं कि नेवला नारायण का प्रतीक माना जाता है। कुछ ग्रंथों में नेवले को सूर्य का प्रतीक माना गया है और कुछ ग्रंथों में नारायण का प्रतीक माना गया है। अब नारायण का प्रतीक माने तो जहां नारायण है वहां लक्ष्मी का निवास अवश्य ही है। इसलिए जब नेवला आपके घर में आकर भ्रमण करता है तो ये समझ लें कि वो साक्षात नारायण ही हैं और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी की कमी नहीं है। इसलिए घर में नेवले का घूमना किसी गुप्त धन की प्राप्ति का संकेत देता है। भूगर्भ के अंदर से कुछ संपदा जो छुपी है उसकी प्राप्ति का संदेश देता है। नेवले का संबंध सीधा जमीन के नीचे गड़े हुए गुप्त धन से होता है। जिस खेत में नेवले का घर हो, नेवले का बिल हो, उस जमीन पर जो घर बनाता है उसके जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं आती है। अगर आप किसी भी कार्य के लिए जा रहे हैं, नेवले ने रास्ता काट दिया, आप समझ लें कि आप मालामाल हो गए। नेवला चाहे बाएं से दाएं गया, दाएं से बाएं गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेवले ने रास्ता काट दिया, आपका कार्य सफल होगा। आप कोर्ट कचहरी में बुरी तरह से फंसे हुए हैं और कोर्ट कचहरी के कामों के लिए जा रहे हैं और नेवले ने रास्ता काट दिया, समझ लें कि उसी दिन से आपका कोर्ट कचहरी का दौड़ना धीरे धीरे बंद हो जाएगा। कोर्ट कचहरी के कार्य में आपको उसी दिन से उसी क्षण से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी और अंत में आपका विजय होगा। साहब, नेवला जो है वह नेवले का दर्शन अत्यंत शुभ है। या तो एक पक्ष हुआ, अब ठीक उसी तरह से चूहा जैसे गणपति जी का वाहन है,
लेकिन जब चूहा अत्याचार करता है, कपड़े काटने लगता है, तो उसे पकड़कर जंगल में छोड़ना पड़ता है। उसी तरह से आपको बता दूं कि अति रूपात हताशिता अति गर्वेण रावण हत अति दानी बलिर्वद्दा अति सर्वत्र वर्जयेत। अति का हमेशा से वर्जित है, अति किसी चीज का ठीक नहीं। तो उस महिला का यही प्रश्न था कि हमारे घर में दिन भर नेवला घूमता रहता है, तो इस घूमने की प्रक्रिया को रोकना जरूरी होता है। कभी कभार दिखना, संयोग से दिखना और घर में ही घर करके रहना, दोनों में अंतर है। सुबह से दोपहर में नेवला का दिखना अशुभ संकेत है, इसलिए घर के चारों तरफ से साफ सफाई रखें ताकि साफ सफाई को देखते हुए नेवला आपके घर में प्रवेश ना करे। उससे भी नहीं मानती है तो घर के चारों तरफ जाल का वार लगा दें ताकि नेवला आपके घर में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि नेवला ने अगर काट लिया तो कुत्ते की तरह आपको रेबीज हो जाएगा। जैसे कुत्ता काटने से रेबीज होता है, ठीक उसी तरह से नेवला के काटने से भी रेबीज होता है। इसलिए उसको ज्यादा घर में घुसने नहीं देना है, इसे थोड़ा सा रोकने की जरूरत है। जैसा कि उस महिला का प्रश्न था, उसके हिसाब से मैंने उत्तर दिया। अब आपको बता दें, नेवला अगर सांप के साथ युद्ध कर रहा हो, नेवला और सांप की लड़ाई चल रही हो और किसी कार्य में आप जा रहे हैं, तो यह अशुभ संकेत देता है। उस कार्य को वहीं स्थगित कर देना चाहिए, बाद में करना चाहिए, अन्यथा सफलता नहीं मिलेगा। बस एक ही स्थिति में नेवला अशुभ है कि नेवला और सांप की जब लड़ाई होती है, आप चाहे ये सीनरी सपने में देखते हैं या चाहे आप ये सीनरी जागते हुए देखते हैं, दोनों ही स्थिति में यह सीनरी अशुभ माना गया है, यह दृश्य एकदम अशुभ माना गया है, अपशकुन माना जाता है। इसलिए दर्शकों, जब भी आप सांप नेवले की लड़ाई देख लें तो उस गार्ड को उसी टाइम स्थगित कर दें, बाद में जाएं, दूसरे दिन जाएं या लौटकर एक गिलास पानी पीकर वापस जाएं, तब तक वो चले गए होंगे, ये अंदाज करके आप निकले। दर्शकों, नेवले की कहानी बहुत लंबी है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए आज की जानकारी में इतना ही हम बताएंगे और इतने फिर मिलेंगे, फिर किसी अन्य वीडियो में नेवले की बाकी कहानी हम बताएंगे। नेवला का देखना, बस एक शब्द में आप समझ लें कि नेवला का देखना सर्वदा शुभ होता है और नेवला और सांप की लड़ाई सर्वथा अशुभ होता है। इसलिए जब भी नेवला सांप की लड़ाई हो तो उसका कुछ न कुछ उपाय करना जरूरी होता है। आप से तब तक आप के सामने हम फिर उपस्थित होंगे किसी अन्य उपाय के साथ। तब तक के लिए आप इजाजत दें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।